हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा। आज क्लास थर्ड की स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है जिसका काम उसी को साजे। ठीक है, इसमें बताया गया है जिसका काम जो होता है उसको ही वो क्या करता है, सूट करता है। ठीक है, तो देखते हैं कहानी में क्या दे रखा है। वाराणसी में कलुआ नाम का एक धोबी रहता था। उसने एक गधा और एक कुत्ता पाल रखा था। वह रोज़ सुबह लोगों के मैले कपड़े नदी के घाट पर ले जाता और उन्हें धोकर शाम को गधे की पीठ पर लाद कर ले आता। कौन था? कलुआ जो एक था वो क्या था? धोबी था। वो क्या करता था? लोगों के मैले कपड़े को क्या करता था? धोता था। कहाँ पे ले जाकर धोता था? नदी के घाट पर ले जाकर धोता था और वापस लेके आता था। किसके पीठ पर रख के? गधे की पीठ पर लाद कर। ठीक है, दिन भर का थका होने के कारण धोबी को बहुत नींद आती। एक रात धोबी गहरी नींद में सो रहा था। रात के समय उसके घर में चोर घुस आया। एक दिन क्या हुआ? एक दिन जो धोबी था, जो रोज़ थका हारा होने के कारण वो रोज़ आकर सो जाता था, तो वो एक दिन बहुत ही गहरी नींद में सोया। उस दिन गहरी नींद में जब वो सोया तो उसके घर में क्या घुस आए थे? उसके घर में चोर घुस आए थे। बाहर तबले में गधा बंधा था और कुत्ता उसके पास बैठा था। आपको पता है गधा कहाँ बंधा होता है? तबले में बंधा होता है। ठीक है, और उसके पास क्या बैठा हुआ था? कुत्ता बैठा हुआ था। गधे ने कुत्ते से कहा, देखो भाई, घर में चोर घुस आया है। तुम इस घर के चौकीदार हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि जोर जोर से भौंकना शुरू कर दो ताकि मालिक जग जाए। ये कौन बात कह रहा है? ये कह रहा है गधा। किसे कह रहा है? कुत्ते से कह रहा है कि आप कुत्ते से कह रहा है कि तुम जोर जोर से भौंकना शुरू कर दो, जिसके कारण कौन जग जाए? मालिक जग जाए। ठीक है, कुत्ता बोला, गधे भाई, तुम मेरे को मेरा कर्तव्य मत बताओ। मैं रात दिन रखवाली करता हूँ, फिर भी मालिक मेरी और जरा सा भी ध्यान नहीं देता, जरा ध्यान भी नहीं देता। इसलिए मालिक का थोड़ा बहुत नुकसान होने दो ताकि उसे मेरी कीमत का पता चले। ये कौन कह रहा है? कुत्ता कह रहा है। किससे कह रहा है? गधे से कह रहा है कि थोड़ा बहुत मालिक का नुकसान होने दो, कि क्योंकि मैं पूरे दिन घर की रखवाली करता हूँ, उसके बावजूद भी मालिक मेरे पर ध्यान नहीं देता है। ठीक है, धोखेबाज गधे ने गुस्से में कुत्ते से कहा। किसने कहा? गधे ने कुत्ते से कहा, धोखेबाज, तुम तो बड़े नमक हराम हो। क्या बोला गधे ने? किससे बोला? कुत्ते से बोला, तुम तो बहुत ही बड़े नमक हराम हो। ठीक है, कुत्ता बोला, तू बड़ा वफादार है। जब गधे ने उसको बोला, कुत्ते को, कि तुम बहुत ही बड़े नमक हराम हो, बहुत ही गद्दार हो, तो कुत्ता क्या बोलता है? तू बड़ा वफादार है मालिक का। मालिक और नौकर दोनों का ही अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। कुत्ता बोलता है कि मालिक का भी कुछ कर्तव्य होता है और उनके जो सेवक जो होते हैं उनका भी कर्तव्य होता है। सबको अपने कर्तव्य का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। जब वह मेरे पर ध्यान नहीं देता तो मैं भी क्यों उस पर ध्यान दूं? वह तो बड़ा ख्याल रखता है, तू ही उसे जगा दे। कौन बोला? गधा बोल रहा है कि वो तो तुम्हारा बड़ा ही ख्याल रखता है, तो तुम उसको क्या कर दो? जगा दो। ठीक है, कुत्ते की बात सुनकर गधे को बड़ा क्रोध आया। कुत्ते ने जब गधे को ऐसा बोला तो उसको बहुत ही क्रोध आया और वह जोर जोर से ढैचू चिल्लाने लगा। किसको? कौन चिल्लाने लगा? गधा चिल्लाने लगा। किस लिए? कि ढैचू ढैचू चिल्लाने से कौन जग जाएगा? मालिक जग जाएगा। तो बेटा, ये क्लास जो थर्ड की हमारी फर्स्ट वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, बस आज के लिए बस इतना ही।